इस वीडियो में हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिस तरीके के प्रॉब्लम ज्यादातर हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ए सीज अ थीफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ए स्टार्ट चेजिंग थीफ हु इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ए इज चेजिंग हिम विद ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस द थीफ कवर बिफोर ए कैचेज हिम। इस तरीके की प्रॉब्लम थीफ से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, बस ध्यान से देखते जाए। ए क्या कह रहा है, ए और थीप के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितनी है? इनिशियल डिस्टेंस 50 मीटर है। 50 मीटर इनिशियल डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे है आपका थीप। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि थीप जो है वो आगे बढ़ रहा है कितनी स्पीड से? 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है आगे, ऐसे जा रहा है, चलो यहाँ तक पहुंच गया है। और ए कितने मीटर से जा रहा है? ए जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ तक इसको भी जाना है। एक स्पीड कितनी? 6 मीटर पर सेकेंड है। और ये यहां से जाके यहाँ पे ये थीप को पकड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कैच कर लेगा उसको इस प्लेस पे। अब ये पूछ रहा है जो ये जो डिस्टेंस थीप ट्रेवल किया है जब तक ए वहां तक आके उसको कैच किया है तब तक, उसको आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं इसको डिस्टेंस को एक्स, ये एक्स डिस्टेंस हुई, ये 50 हुई। तो क्या आप बता सकते हैं ये पूरा ए कितना चला है? ए की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 50 प्लस एक्स। तो हम इसको लिख देते हैं x प्लस 50, ये टोटल कौन चला है? ये a चला है। और उसके बाद थीप कितना चला है? x मीटर। इतना समझ में आया? अब हमें क्या करना है, आपको हमें पता लगाना है ये कौन सी टाइप की प्रॉब्लम है। DST हमने लिखता, तो क्या डिस्टेंस सेम है? नहीं, डिस्टेंस तो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि थीप तो x किलोमीटर चल रहा है बट a चल रहा है x प्लस 50, तो d तो सेम नहीं है। क्या स्पीड दोनों की सेम है? स्पीड सेम नहीं है, एक ये इसकी 6 है, इसकी 4 है, तो सेम नहीं, स्पीड भी सेम नहीं। क्या टाइम सेम है? हाँ, टाइम सेम है। कैसे सेम है? क्योंकि जितनी देर में ये थीप यहां तक चला है उतनी ही टाइम तक तो ये भी चला है उसको कैच करने के लिए, तो दोनों की टाइम क्या है? सेम है, ठीक है। अब हमें पता चल गया टाइम सेम है, अब कुछ नहीं करना है, उसमें क्या बचा है? T1 इज इक्वल टू T2 लिख देंगे यहाँ पे। अब टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम का फार्मूला देखें यहाँ से, ये क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से लिख दे D1 अपॉन S1 इज इक्वल टू D2 अपॉन S2, ये लिख दिया आपने। अब D1 कितना है? D1 x प्लस 50 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस 50। और स्पीड कितनी है? एक स्पीड कितनी है? एक स्पीड है 6, यहाँ 6 लिख दिया आपने। और D2 कितना है? D2 थीप कितना चल रहा है? x चल रहा है। और थीप की स्पीड कितनी है? 4 मीटर। अब क्या करना है आपको, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आ जाएगा आपका 4x प्लस 200 इज इक्वल टू 6x। 4 को इधर ले जाएंगे 2x हो जाएगा ये, तो 200 इज इक्वल टू 2x हो गया। अगर 2 से मल्टी डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 मीटर इज इक्वल टू x। ये आ गया आपका x। यही पूछा था आपसे कि थीप कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो थीप कितना करेगा? हमने उसके डिस्टेंस मानी थी x, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया थीप? x मीटर, यानी कि 100 मीटर ट्रेवल किया है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। हमने क्या किया, पहले ए और थी के बीच में कितनी डिस्टेंस थी? 50 मीटर थी, ए से 50 मीटर डिस्टेंस थी। फिर हमने मान लिया कि थीप एक्स डिस्टेंस आगे जाएगा जब उसको ए कैच कर लेगा। तो ए अगर एक्स डिस्टेंस आगे जाएगा तो 50 पहले से ही थी, तो ए और ए कितना डिस्टेंस चलेगा? एक्स प्लस 50 मीटर चलेगा। उसी हिसाब से फिर हमने क्या किया, देखा कौन से टाइप की प्रॉब्लम आती है। DST हमने लगाया, एवरेज की प्रॉब्लम तो है नहीं वैसे भी ये। फिर हमने देख लिया हाँ भाई, डी तो सेम नहीं है, स्पीड सेम नहीं, टाइम सेम है, तो हमने टाइम T1 इक्वल टू T2 करके सॉल्व कर दिया। इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत आसानी से ऐसे सॉल्व हो जाती है। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए बस इज 100 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग द स्टॉपेज द स्पीड ऑफ द बस इज 80 किलोमीटर पर आवर, फॉर हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको दी गई है। तो इनिशियल आपको क्या दिया गया, एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेज, अगर बस कोई स्टॉपेज नहीं ले रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर है अगर कोई स्टॉपेज नहीं ले रहा है। अगर स्टॉपेज ले रहा है तो 80 किलोमीटर पर आवर है। ओके, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, कितने मिनट तक वो रुक रहा है पर आवर कितने मिनट तक वो रुक रहा है। ठीक है, हम क्या देखते हैं, देखो 100 किलोमीटर पर आवर इसका मतलब क्या हुआ, 100 किलोमीटर पर 1 आवर में ट्रेवल कर रहा है। 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 आवर में 80 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है जब स्टॉपेज ले रहा है। तो कितने किलोमीटर कम ट्रेवल कर रहा है जब कोई स्टॉपेज ले रहा है? तो 100 माइनस 80, यानी कि 20 किलोमीटर वो कम ट्रेवल कर रहा है अगर स्टॉपेज ले रहा है।
अब हमसे पूछा रहा कितने मिनट तक वो रुका, उतने ही मिनट तक रुका जितने मिनट तक 20 किलोमीटर ट्रेवल करने में जितनी टाइम लगेगी उतने टाइम तक वो रुका। तो हमें क्या करना है, तो टाइम इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर तक वो रुका है, 20 किलोमीटर कम ट्रेवल किया है स्टॉपेज की वजह से। स्पीड कितनी उसकी, स्पीड देखो आप कोई यहाँ पे 80 स्पीड ना लिख देना, 80 स्पीड नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल स्पीड नहीं है, ये तो स्टॉपेज के साथ की स्पीड है उसकी। बस की एक्चुअल स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100। ये कितना आ जाएगा, 1/5। ये टाइम कितना आएगा, आवर में आएगा, क्यों, क्योंकि हमने ये सब किलोमीटर और आवर में लिया है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनट में, तो आपको पता है आवर को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 12 मिनट आ जाएगा। टू बॉयज राज एंड आर्यन स्टार्ट एट द सेम टाइम टू राइड फ्रॉम बैंगलोर टू चेन्नई 70 किलोमीटर अवे। राज स्टार्ट 5 किलोमीटर एन आवर स्लोवर देन आर्यन। इसका मतलब क्या है, 5 किलोमीटर उसकी स्पीड स्लो है आर्यन से। आर्यन रीचेज चेन्नई एट एंड एट वंस टर्न्स बैक मीटिंग राज एट 14 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई। आर्यन क्या करता है, चेन्नई उससे पहले पहुंच जाता है फिर वापस आता है, तो बीच में उससे मिलता है किस राज से, 14 किलोमीटर पे। तो राज की स्पीड पूछ रहा है आपसे, ठीक। हम पहले एक टाइम लाइन बनाते हैं सब चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लिखने के लिए। ये हमने एक टाइम लाइन बनाई है, ये मान लिया हमने ये है बैंगलोर और ये है चेन्नई, जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी, 70 किलोमीटर। मान लो ये कम है बट क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये क्या कह रहा है, राज ये आर्यन रीचे चेन्नई एंड एट वंस टर्न बैक, मतलब आर्यन यहाँ चेन्नई आया है, यहाँ से फिर तुरंत घूम गया है इतने दूर तक, 14 किलोमीटर ट्रेवल और किया है वो। अब तो आर्यन कितना ट्रेवल कर लिया टोटल, आर्यन टोटल कितना ट्रेवल कर लिया, 70 प्लस 14 कितना हो गया, 84 किलोमीटर आर्यन ट्रेवल कर लिया। और राज कितना ट्रेवल किया, राज तो यहीं पे मिला इससे, यानी कि राज तो बची हुई डिस्टेंस ये ट्रेवल किया होगा, ये बची हुई डिस्टेंस कितनी है, तो राज कितना ट्रेवल करेगा, 70। अब बची हुई डिस्टेंस कितना है, 70 माइनस 14 कर देंगे आ जाएगा आपके ये 6 और ये 5, तो 56 किलोमीटर आ गया। ओके, अब क्वेश्चन में और क्या कहा जा रहा है आपसे, राज की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ज्यादा स्लो है, ठीक है। तो अगर हम इसकी मान लेंगे राज की स्पीड एक्स है, ठीक है, तो आर्यन की स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5 हो जाएगी, क्यों, एक्स प्लस 5 क्यों होगी, अगर 5 इसमें माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। तो यही है, 5 किलोमीटर इससे, 5 किलोमीटर कम है इससे, यानी कि 5 किलोमीटर कम है, यानी -5 कर देंगे तो राज की स्पीड आ जाएगी। तो आर्यन की स्पीड एक्स प्लस 5 है, राज की स्पीड एक्स है, इतना आ गया समझ में। अब आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है ये कौन से टाइप की प्रॉब्लम है। हम लिख देते हैं यहाँ DST। अब बताइए क्या डिस्टेंस दोनों ने सेम ट्रेवल की है, नहीं की है, क्योंकि ये तो 70 प्लस 14 किया है यानी 84, ये 56, तो डिस्टेंस दोनों ने सेम नहीं ट्रेवल की है। अब हम क्या चेक करेंगे, क्या स्पीड दोनों की सेम थी, स्पीड भी दोनों की सेम नहीं थी, एक की एक्स थी एक की एक्स प्लस 5 थी, तो स्पीड भी दोनों की सेम नहीं है। क्या टाइम दोनों की सेम थी, टाइम तो सेम थी, क्योंकि ये सेवन यहाँ तक जितनी देर में ये यहाँ तक आया है उतनी देर में तो ये आया है, टाइम तो दोनों ने सेम लिया यहाँ तक आने के लिए, तो यानी कि इस प्रॉब्लम में टाइम सेम थी। तो यानी कि अब टाइम सेम हो गई, अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, T1 इज इक्वल टू T2 कर दें, ठीक है। अब T1 टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो D1 अपॉन S1 इज इक्वल टू D2 अपॉन S2 कर दिए। अब डिस्टेंस कितना है, ये D1, ये आ गया आपका आर्यन का, आर्यन कितना लिया है, 84 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। आर्यन की स्पीड कितनी, आर्यन की स्पीड आई है ये किलोमीटर पर आवर में है सब, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो ये हो गया आपका एक्स प्लस 5 और D2, यानी कि राज की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया है, 56 किलोमीटर, तो ये राज की आ गई 56। राज की स्पीड कितनी है, एक्स है, एक्स आ गया। अब क्या करना है, अब इसको कर देना आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 84x इज इक्वल टू 56x प्लस, इसका आ जाएगा 5 6 30, 25 28, 28 आया, इधर लेके आएंगे कितना आ जाएगा, 84 माइनस 64 कर देंगे तो 8 और ये 2x इज इक्वल टू 280, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
280 अपॉन 28 कट करके आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, क्या आया किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी निकल के आ गई आपकी x की, x किसकी स्पीड थी राज की स्पीड पूछा था, राज की स्पीड कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे पूछता आर्यन की स्पीड कितनी है तो आर्यन की स्पीड आ जाती 15 किलोमीटर पर आवर, 5 ऐड कर देते हैं। ए पर्सन विशेस टू रीच हिज डेस्टिनेशन 90 किलोमीटर अवे इन 3 आवर्स बट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी हिज स्पीड वाज 20 किलोमीटर, हिज एवरेज स्पीड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी शुड बी। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको इस प्रॉब्लम में, देखो कैसे सॉल्व करना है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ये कितना है मान लो कि ये 90 किलोमीटर है तो ये मिड पॉइंट आधा, तो ये हो गया आपका 45 किलोमीटर, ये हो गया आपका 45 किलोमीटर, टोटल कितना है 90 है, टोटल 90 दिया गया है और 45 इधर 45 इधर। क्यों 45 किया गया, क्योंकि हाफ जर्नी की बात की गई, आधे जर्नी की, आधे जर्नी में कितनी स्पीड उसकी है 20 किलोमीटर पर आर है। तो ये आधे जर्नी की क्या हम टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 45 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 20, 45 अपॉन 20 आया, यानी कि अगर ये 9 हो गया यहाँ पे आ गया आपका 4, अब कितना हो गया 2.25 आर आया, ये टाइम निकल के आ गया। टोटल टाइम कितना उसको लेना है 3 लेना है, तो उसके पास टोटल टाइम इतना, तो 2.25 आर तो उसने 45 किलोमीटर ट्रेवल करने में लगा दिया। अब उसको 45 किलोमीटर नेक्स्ट ट्रेवल करना है कितने देर में, जितनी तीन घंटे में कितनी टाइम बची है, इसको माइनस कर दो 3 घंटे में से, 3 आवर में से 2.25 आवर माइनस किए तो कितना आ गया आपका 0.75 आवर बचा है। उसके पास टोटल ये टाइम बची है, उसको जाना कितना है 45 किलोमीटर जाना है। तो अब नेक्स्ट फार्मूला लगा देंगे आप, आपको क्या पता है टाइम बचा, टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है, तो स्पीड बताने के लिए क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना जाना है 45 किलोमीटर जाना है, टोटल टाइम उसके पास कितनी बची है 0.75 आवर बचा है। इसको यहाँ पे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो जीरो बढ़ाएंगे 60 आ जाएगा, ठीक है 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। पर क्या ऑप्शन में आप देखें ध्यान से, 40 किलोमीटर पर आवर, 0.75, 1 किलोमीटर पर आवर, नॉन ऑफ दिस, क्या 60 किलोमीटर पर आवर इसमें दिया है कहीं पे भी क्वेश्चन में, नहीं दिया है। तो आप ये नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे देखें ये 60 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, इसको आप अगर पर मिनट में चेंज करें तो क्या करना होगा, अगर स्पीड को अगर हम किलोमीटर पर मिनट में चेंज करें तो 1 आवर में कितना मिनट होता है, तो 60 हो गया था, 60 मिनट हमने लिख दिया आवर की जगह पे। अब ये 60 टू 60 कैंसिल हुआ, कितना है 1 किलोमीटर पर मिनट, 1 किलोमीटर पर मिनट ऑप्शन में दिया है, हाँ सी ऑप्शन दिया है 1 किलोमीटर पर मिनट, तो इसका आंसर आप क्या दिखाएंगे, सी लगाएंगे 1 किलोमीटर पर मिनट। यह क्वेश्चन आया था एक बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ही, जिसमें बहुत से लड़कों ने डी ऑप्शन लगा दिया था, सबने निकाला 60 किलोमीटर पर आ रहा है, ऑप्शन में चेक किया 60 किलोमीटर पर आर तो दिया ही नहीं है। बट किसी का ये ध्यान देने वाली बात इसमें यह थी कि पर आर को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं, कैंसिल करके 1 किलोमीटर पर मिनट लिख देंगे, तो ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इसका सही था, बहुत लड़के इसमें कन्फ्यूज हो गए थे।